नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 9 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। राजस्थान में फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की 1128 पदों पर निकाली गई भर्तियां। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक और फॉरेस्ट वनपाल की 1128 भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की 1041 वैकेंसी है और फॉरेस्टर की 87 है। इन पदों के लिए 7 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, वहीं फॉरेस्टर के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। सीतामढ़ी के सनातन धर्म पुस्तकालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सनातन धर्म केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना पहले पेठिया रोड मिर्चाई पट्टी के गली में एक छोटे से कमरे में 25 पुस्तकों के साथ साल 1917 में की गई थी, लेकिन आज डुमरा में स्थापित इस पुस्तकालय में करीब 35,000 पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें करीब 38 विषयों की पुस्तकें शामिल है। यह पुस्तकालय साहित्यकारों के लिए ज्ञान का खजाना कहा जाता है। भारत बंद के दौरान बिहार में भी दिखा व्यापक असर। बीते दिन बिहार में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बिहार के कई जिलों में इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम किया तो कई लोगों ने ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। दरभंगा जिले में जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी कमीज उतारकर विरोध किया, तो वहीं बेगूसराय में चक्का जाम कर दिया गया। इसके साथ ही पूर्णिया में भी भारत बंद का असर दिखा, जहां सभी नेता चौक चौराहे पर जाम करते नजर आए। शेखपुरा में दुकानों को बंद करवाया गया, वहीं नवादा में हल लेकर प्रदर्शनकारियों को देखा गया। वहीं राजधानी पटना में भी विरोध का असर देखने को मिला। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ दिए। उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के दूसरे लेन पर मार्च 2022 से आवाजाही होगी शुरू। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के दोनों लेन मार्च 2022 तक चालू हो जाएंगे। वहीं गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 4 लेन के नए पुल का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। नेशनल हाईवे की परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने इस परियोजना को लेकर आवश्यक जानकारी साझा की है। बैठक में मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के एक लेन से अभी परिचालन शुरू है, दूसरे लेन को तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है, जिसके बाद पूर्वी छोर के जीर्णोद्वार का काम मार्च 2022 तक पूरा कर दोनों लेन को चालू किया जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 684 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,40,249 पर पहुंच गई है। वहीं टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी में 263 मामले सामने आए हैं, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में 25-25 मामले सामने आए हैं। सिपाही भर्ती चालक की लिखित परीक्षा होगी 3 जनवरी को। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा बिहार पुलिस चालक सिपाही के 1722 पदों पर भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा 3 जनवरी 2021 को होने वाली है। सीएसबीसी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को देखें तो 3 जनवरी 2021 की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। हालांकि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से एक घंटे पहले सुबह 9 बजे ही रिपोर्ट करना होगा। केंद्रीय चयन पर्षद के अनुसार यह परीक्षा पहले 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी और इसके लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया था। बिहार के नगर निकायों में अब ऑनलाइन दे सकेंगे शिकायत या सुझाव। बिहार के नगर निकायों में जनप्रतिनिधि मसलन मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शिकायत और सुझाव के लिए नगर विकास और आवास विभाग अलग से ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करेगा। इस पर जनप्रतिनिधियों की समस्याओं से निपटारा विभाग की तरफ से किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास विभाग मंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे। वहीं निकायों में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और सफाई की समीक्षा भी की जाएगी। राज्य के सभी प्रमुख शहरों का भी मास्टर प्लान शीघ्र बनाया जाएगा। पंचायतों में होगी कार्यपालक सहायकों की बंपर बहाली। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार के मुद्दे को काफी उछाला गया था, वहीं अब रोजगार मुहैया करवाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी ग्राम पंचायतों की राज्य सरकार की तरफ से बंपर बहाली की जा रही है। इस बाबत सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर अंतरिम पैनल बनाने का आदेश जारी किया गया था। पंचायती विभाग के निदेशक ने इसके लिए सभी जिले के डीएम को पत्र जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के 8,386 पंचायतों में कार्यपालक सहायकों के 1,600 पद भरने की कवायद तेज की गई है। बहुत जल्द इसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा। 5,200 शिक्षकों की डिग्री की जांच में जुटी बिहार सरकार। प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत 5,200
नियोजित शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्रियों की जांच होने वाली है। हाल ही में निगरानी ब्यूरो ने संदिग्ध डिग्रियों के बारे में अपनी शंका से शिक्षा विभाग को अवगत कराया था। इसी को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने संबंधित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच करवाने का फैसला लेते हुए एक उपनिदेशक के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिया है। फिलहाल पूरे मामले में विभाग के स्तर से तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के लगभग 1500 ठेकेदारों पर हुई कार्रवाई। ग्रामीण कार्य विभाग ने लगभग 1500 ठेकेदारों पर सख्ती दिखाई है, जिसके बाद अब ये सभी ठेकेदार किसी भी सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई है, जो विभाग के आदेश के बावजूद सरकारी सिस्टम में ऑनलाइन जानकारी नहीं दे रहे थे। आपको बता दें, ग्रामीण कार्य विभाग ने कार्रवाई करने से पहले ठेकेदारों को कई बार चेतावनी दी थी। इसके साथ ही बिहार ठेकेदार नियमावली के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने ठेकेदारों को पूरी जानकारी ऑनलाइन देने को कहा था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्वेता बासु की। श्वेता बासु का जन्म 11 जनवरी 1991 में जमशेदपुर बिहार में हुआ था। हालांकि कुछ साल बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। श्वेता बासु प्रसाद एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस है, जो मुख्यतः हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। श्वेता ने अपने एक्टिंग करियर बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस हिंदी फिल्मों और टीवी से की थी। इसके बाद उन्होंने बंगाली, तेलुगु, तमिल सिनेमा में भी काम किया। वर्ष 2002 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें फिल्म मकड़ी के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मुकेश सहनी दिखे गंभीर। सन ऑफ मल्लाह के नाम से पहचाने जाने वाले मुकेश सहनी अब बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल करने वाले हैं। इसको लेकर मुकेश सहनी ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग संभाल रहे मुकेश सहनी ने कहा है कि राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत जल्द होने वाली है। इसके साथ ही पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की भी काफी ज्यादा जरूरत है। पोस्टपेड प्लान का बिहार में फिर बढ़ा क्रेज। कोविड 19 के माहौल में लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ही नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां सुरक्षा के लिहाज से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम करवा रही है। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज के क्लासेस भी ऑनलाइन होने के कारण लोगों की मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ गई है। बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक जीसी श्रीवास्तव ने बताया कि यह सच है कि पिछले कुछ महीने में 3% से अधिक उपभोक्ता प्रीपेड से पोस्टपेड प्लान में शिफ्ट हुए हैं। इसका मुख्य कारण बहुत से प्रोफेशनल उपभोक्ताओं के इंटरनेट के बढ़ते यूज को देखते हुए प्रीपेड प्लान से पोस्टपेड प्लान में आना है। वैसे प्रीपेड का क्रेज बरकरार है। अगले साल तक पटना में खोले जाएंगे 12 नए सीएनजी स्टेशन। राजधानी पटना में अगले साल के अंत तक 12 सीएनजी स्टेशन को खोला जाएगा। इनमें से दीघा और बहादुरपुर के 2 नए स्टेशन जनवरी 2021 में खोले जाएंगे। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही बख्तियारपुर, दनियावा, खुसरूपुर, कुम्हरार, पटना सिटी, अनीसाबाद, फुलवारी शरीफ, एग्जीबिशन रोड, नासरीगंज और लोहिया नगर में पहले से चल रहे पेट्रोल पंप और विशेष सीएनजी स्टेशन बनाने के लिए जगह का सर्वे प्रक्रिया चल रहा है। कोरोना गाइडलाइन के साथ इसी महीने से शुरू होगा जल चौपाल। बिहार में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत पीएचईडी 56,000 वार्डों में शुद्ध पानी पहुंचाने में सफल रहा है। कुछ एक वार्ड में जहां भी पानी नहीं पहुंच सका है, वहां कुछ तकनीकी कारण है, जिसे ठीक कर वहां भी दिसंबर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पीने के पानी को लोग बर्बाद न करें, इसको लेकर जल चौपाल सभी वार्डों में बना दिए गए हैं, जिसके बाद इसी महीने से जल चौपाल की गांव-गांव में शुरुआत होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नल जल योजना बाकी जलापूर्ति योजना और बारिश के पानी बचाने और उसका दुरुपयोग रोकने के लिए लोगों को विभाग गांव में जल चौपाल लगाया जाएगा। 2021 की जनगणना के बाद ही शुरू होगा नए निकायों का गठन। सूबे में नगर निकायों के संचालन में बदलाव को लेकर इस साल के शुरुआत में बनाए गए 2 प्रस्तावों को अब अगले साल शुरू किया जाएगा। नगर निकायों के पुनर्गठन और पंचायतों को अपग्रेड कर नगर निकायों में शामिल होने की प्रक्रिया नए वर्ष के मार्च के बाद से शुरू हो जाएगी। नगर निकाय नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से पहले से तैयार प्रस्ताव को जनगणना 2021 के आलोक में रोक दिया गया है। आपको बता दें, शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए करीब 100 कस्बों को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। पंचायत चुनाव को लेकर बूथों के गठन की शुरू हुई तैयारी। पंचायत चुनाव को लेकर बूथों के गठन की तैयारी शुरू होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में बूथों के गठन में खास एहतियात बरते जाएंगे। इसको लेकर आयोग की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब किसी भी मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर बूथ का गठन नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को मतदान में प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए ही गाइडलाइन तैयार कर दी गई है। पटना गया डोबी पथ के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की राशि
का पटना हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में पटना गया ढोबी राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण हेतु अधिग्रहण किए गए भूमि के मुआवजे देने के लिए दी गई धनराशि को लेकर राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा है। दायर की गई जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने संबंधित जिलाधिकारियों को बताने को कहा है कि भू मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के मामले पर क्या कार्रवाई हुई है। बिहार बंद को लेकर बिहार में चढ़ा सियासी पारा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद के दौरान वामदल के नेता और कार्यकर्ता बिहार में सड़कों पर उतर गए थे। राजधानी पटना स्थित डाक बंगला चौराहा को भाकपा माले, वामपंथी और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने लंबे समय तक जाम रखा। इन सबके बीच भारत बंद को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। माकपा ने किसान विरोधी कानून करार करते हुए बंद को सफल बताया है। वहीं जदयू नेता अजय आलोक ने इसे अराजकता फैलाने का कदम बताया है। भारत बंद से गायब रहे तेजस्वी यादव। जहां कुछ दिनों पहले किसानों के विरोध का समर्थन करने गांधी मैदान में तेजस्वी यादव नजर आए थे, वहीं बीते दिन बुलाए गए बंद में वो गायब दिखे। जहां एक तरफ भारत बंद के दौरान बिहार के कई जिलों में राजद कार्यकर्ता सड़कों पर देखे गए, वहीं राजद के मुखिया तेजस्वी यादव बंद से बाहर दिखे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में है। दरअसल 11 दिसंबर को चारा घोटाले में सलाखों के पीछे बंद उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के एक मामले की सुनवाई होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसी मामले को लेकर तेजस्वी दिल्ली में सीनियर वकीलों के साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं। आखिरी मैच में हार कर भी जीता भारत टी20 सीरीज। टी20 सीरीज का आखिरी मैच बीते दिन खेला गया, जिसमें भारत को हार मिली है। हालांकि इस हार के बावजूद भारत ने सीरीज को अपने नाम दर्ज कर लिया है। बीते दिन खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 186 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाने में ही कामयाब हो सकी। जहां विराट कोहली ने 61 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं शिखर धवन ने 21 गेंद में 28 रनों की पारी खेली, मगर टीम इंडिया को 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अपने ही ट्वीट के कारण फंसे धर्मेंद्र। बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहीं हाल ही में उनका ही ट्वीट उन पर हावी हो गया है। दरअसल धर्मेंद्र ने हाल ही में किसानों को लेकर एक ट्वीट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से प्रार्थना है किसान भाइयों की दिक्कतों का कोई हल जल्द से जल्द तलाश कर ले। कोरोना के केस दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, यह बहुत ही दुखी कर देने वाली बात है। हालांकि इसके बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिसको लेकर ही लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। Amazon प्राइम वीडियो पर 100 लोगों के साथ देख सकेंगे फिल्म। अगर आप भी Amazon पर फिल्में और सीरीज देखने के शौकीन हैं, तो अब आपके लिए Amazon एक और नया फीचर लेकर आया है, जिसके बाद अब आप Amazon प्राइम वीडियो पर एक साथ 100 लोग प्राइम वीडियो के कंटेंट को देख सकेंगे। Amazon ने अब भारत में भी प्राइम वीडियोज में वॉच पार्टी फीचर देना शुरू किया है। प्राइम मेंबर्स के लिए ये वॉच पार्टी मुफ्त है और सभी यूजर इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, Amazon ने जुलाई में अमेरिका में प्राइम वीडियो यूजर के लिए वॉच पार्टी फीचर की शुरुआत की थी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,330 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,330 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 85.42 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। आर ब्लॉक दीघा पथ का निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा करने का जारी हुआ निर्देश। बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में राजधानी पटना में बन रहे आर ब्लॉक दीघा पथ के निर्माण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने निर्माण कार्य को 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भोजपुर और पटना के बीच रोड कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने के लिए बिहिया जगदीशपुर पीरो बेहटा पथ को मार्च 2021 तक पूरा करने का आदेश जारी किया है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित करने के दौरान उन्होंने उक्त बातें कही हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मेहता, दीपक बाबू, संजय सिन्हा, राधा श्याम, मनीष मोहरा, विजयकांत, श्वेता रॉय, समरीन इराकी, प्रियमल यादव, कमलेश प्रसाद, शशि भूषण, राकेश रंजन यादव, संदीप कुमार यादव, सूरज कुमार यादव, विमलेश कुमार, जवाहिर यादव, रुद्र कुमार, मिथुन कुमार पंडित, गजेंद्र सिंह, पुरुषोत्तम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे।
रहे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बंद के कारण आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।